नमस्कार, सुप्रभात। विनम्र अपील SCN उद्देश्यों के लगातार 10 दिन से हर शाम 8 बजे लाइव कवरेज करने वाला भारत का नंबर वन चैनल आदरणीय मिश्रा जी के सौजन्य से उनकी मेहनत अथक प्रयास से हम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। लगातार आज दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, हर शाम 8 बजे कवरेज होता है। आप सबसे विनम्र अपील है कि आप लोगों को लिंक दिया जा रहा है बराबर, लेकिन आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं। साथियों, अगर कुछ करना है हासिल तो आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, क्योंकि हमारे कर्णधार हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जुड़े हुए हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या है, शुरू करते हैं आज। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। हो चुकी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही। आग है तो आग जलनी चाहिए। अनुदेशकों, आपकी दयनीय स्थिति से दुनिया वाकिफ है, प्रदेश वाकिफ है, सब वाकिफ हैं। साथियों, अगर आप में कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत बाकी रह गई है तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे महागुरुज, हमारे मेंटर्स और सभी बड़े संवाददाता, बड़े टीवी चैनल्स के हमारे शुभ चिंतक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघों से जुड़े हुए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आपको हर शाम सब कुछ काम छोड़कर बैठ जाना है अपने चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, आवाज़ पहुंचानी है सरकार तक। क्योंकि अब तक अगर आप जागे नहीं तो अब भी जाग जाइए। 2-3-4 महीने बचे हुए हैं, इलेक्शन होने में आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले अपनी आवाज़ को सरकार तक दमदारी से पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका हिस्सा, आपकी हिस्सेदारी है, आपकी भागीदारी है और आपका हक बनता है। आपका हक 7,000 लायक नहीं है। आप किस गैरत में पड़े हुए हैं, उठिए, जागिए और शुरू कर दीजिए अपने अभियान को सोशल मीडिया के माध्यम से, शांतिपूर्वक ढंग से, संवैधानिक दायरे में रहते हुए। साथियों, मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे शुभकुमार मिश्रा जी जो संवाददाता हैं, आप उनकी अपील को जानिए, सुनिए और उनके भाव को समझिए। हमारे सब लोगों के दोस्तों को सिर्फ यही निवेदन है, अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। पूरे देश में इस खबर को जाना चाहिए। जो अमानवीय व्यवहार गुरुजनों के, जो जिनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है वो पूरा विश्व जाने। गुरुजनों का दर्जा, या कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माता दर्जा किसी को भी इस देश के अंदर नहीं मिलता है, सिवाय शिक्षकों को। और शिक्षकों के साथ, उन राष्ट्र निर्माताओं के साथ क्या हालत बना के रख दी है, सरकारों ने क्या दयनीय स्थिति उनकी कर दी है, इसकी आवाज़ आपको बुलंद करनी होगी। लगातार आज 9 वर्ष हो गए हैं, 7,000 रुपये में गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रो कर अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन कोई पूरा नहीं कर रहा है। साथियों, जुड़ जाइए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी कुछ गैरत बाकी है आप सब में तो अपनी सच्चाई से लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बस अपनी बात को रखना है और दुनिया तक पहुंचाना है कि हमारे साथ क्या अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है इस लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा होना असंवैधानिक है। 7,000 रुपये आप सोच के देखिए, आपके साथ जो दयनीय स्थिति है, आपके बच्चों की जो भविष्य अंधकार में है, उसका बस हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा अब आपसे अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, अपनी बात को रखिए, लोगों तक पहुँचाइए, सरकार तक पहुँचाइए और मनवाने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शिवकुमार मिश्रा जी, जो कि संवाददाता हैं, स्पेशल कवरेज न्यूज़ के SCN लाइव डिबेट करवा रहे हैं, हर शाम रात 8 बजे से लाइव जुड़िए, देखिए। और अन्वेषक BPED शिक्षक रो रो कर रहे हैं गुहार, अब तो सुन लो सरकार। स्पेशल न्यूज़
पर 2 नवंबर रात 8 बजे ये डिबेट हुई थी। हम जुड़े थे हमारा चैनल से, हमारे सारे साथी जुड़े हुए थे, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, विनम्र निवेदन है कि आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए और कमेंट, अपने क्वेश्चंस रखिए, अपनी मांगों को रखिए। बस मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक और कवरेज आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर न्यूज़ है DLED VTC परीक्षण द्वारा किसके अंतर्गत प्रदेश में रिक्त सीधे सत प्रतिशत भरे जाने के लिए ये डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। कार्रवाई की जाने की समय सारणी जारी हो गई है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं DLED में, जिसको BT से पहले कहते थे। डायरेक्ट एडमिशन के तहत शत प्रतिशत भरी जाएंगी सीटें, ये आदेश आ चुका है। क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार सरकार दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नया आदेश जारी कर रही है, नए काम कर रही है, लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के जीवन, पैरा टीचरों के, ये संविदा शिक्षक हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, ना के बराबर। सिर्फ 1500 रुपये का मंद बढ़ाने का जो लॉलीपॉप है वो दिखा रही है। साथियों, हमें ये 1500 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 9 साल का हमें हमारा फल मिलना चाहिए। कहते हैं लोग कि कर्म किए जा फल की चिंता, फल की चिंता ज़रूर करेंगे। हमें समायोजन चाहिए, समायोजन चाहिए, समायोजन, स्थायीकरण, 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 नियमितीकरण चाहिए हमको, नियमितीकरण। कोई भी मानदेय बढ़ोतरी नहीं चाहिए हमें, 17,000 भी नहीं चाहिए, अब हमें परमानेंट करना होगा सरकारों को। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, अपील है। साथियों, हम सड़कों पर नहीं आना चाहते हैं, हम शिक्षक की मर्यादा को बखूबी जानते हैं कि शिक्षक आदर्श समाज का एक मेन स्तंभ होता है। चलिए मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।